From the following details, calculate the total earning of a worker and the effective hourly rate under HELSI scheme and Rowan scheme. Basic rate of wages 36 rupees per hour. एक घंटा काम करने का मजदूरी कितना है 36 रुपया. टाइम अलाउड फॉर द जॉब इज 25 आवर्स. उस काम को करने के लिए कितना घंटा दिया गया 25 घंटा. टाइम टेकन 20 आवर्स. कितना घंटा में उस काम को कंप्लीट कर दिया गया 20 घंटा में. हम लोग से क्या निकालने बोला है कि उस मजदूर का टोटल वेजेज कितना होगा, मतलब कुल मजदूरी कितना होगा और उसका इफेक्टिव आवरली रेट क्या होगा. हेडिंग में लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल वेजेज एंड इफेक्टिव आवरली वेज रेट. कभी भी हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसको अपने हिसाब से सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, लिख लेंगे. जैसे यहां पे क्या दिया है, टाइम अलाउड कितना घंटा दिया गया काम को करने के लिए 25 आवर्स. टाइम टेकन कितना घंटा काम करने में लग गया 20 आवर्स. उस घंटा उस काम को कितना घंटा में कंप्लीट कर लिया गया 20 घंटा में. टाइम सेव्ड कितना घंटा बचा दिया गया 5 घंटा. रेट पर आवर कितना दिया, देखो आप एक घंटा खटके कितना मिलता है उसको 36 रुपीज. क्लियर है. कौन से स्कीम में हमसे पूछा निकालने, हेल्सी प्लान में और रोवन प्लान में. तो पहले देखो हेल्सी प्लान, हेडिंग दे दिए टोटल वेजेज इक्वल टू होता है बेसिक प्लस बोनस. अब बेसिक कैसे निकलता है, आवर्स वर्क्ड मतलब जितना घंटा काम किए इनटू रेट पर आवर. आवर्स वर्क्ड इनटू रेट पर आवर प्लस बोनस का फॉर्मूला होता है 1/2 इनटू टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर. अब देखिए कितना घंटा काम किया, ये 20 घंटा. रेट पर आवर कितना रुपया है 36 रुपया प्लस 1/2 मतलब 1/2 इनटू टाइम सेव्ड कितना 5 घंटा इनटू रेट पर आवर कितना 36. निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 720 प्लस 90 810. टोटल वेजेस कितना निकला 810. अब देखिए इफेक्टिव आवरली वेज रेट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है. इफेक्टिव आवरली वेज रेट कैसे निकलता है, तो टोटल वेजेज डिवाइडेड बाय आवर्स वर्क्ड. टोटल वेजेज कितना है देखिए 810. कितना घंटा काम किया है 20 घंटा का, तो पर घंटा कितना निकलेगा 40.5 रुपीज. आंसर हो गया. ये किसके हिसाब से आंसर हुआ, हेल्सी प्लान में. किसके हिसाब से हुआ, हेल्सी प्लान में. अब देखिए रोवन प्लान, क्लियर हो गया. रोवन प्लान में देखिए सेम प्रोसेस, टोटल वेजेज इक्वल टू बेसिक प्लस बोनस. अब बेसिक कैसे निकलता, अभी हम लोग डिस्कस किए थे. आवर्स वर्क्ड मतलब जितना घंटा हम काम किए इनटू रेट पर आवर. आवर्स वर्क्ड इनटू रेट पर आवर प्लस बोनस का क्या फॉर्मूला होता है देखिए,
time saved upon time allowed into time taken into rate per hour. अब देखिए कितना घंटा काम किया है, hours work 20 hours, rate per hour 36 plus time saved 5, time allowed 25, time taken 20 into rate per hour 36, ये निकालेंगे कितना आएगा 720 plus ये कितना आएगा 144, ठीक है, ये हो जाएगा 864. अब इफेक्टिव आवरली रेट देखिए, इफेक्टिव आवरली रेट कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वेजेज डिवाइडेड बाय आवर्स वर्क्ड, टोटल वेजेज 864 डिवाइडेड बाय 20 आवर्स कितना निकलेगा 43.20, ओके okay.